हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं दो तरह टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ। जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारा घी हम बनाते हैं और जल जाता है या थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, तो फिर हमें लगता है कि अच्छा लगेगा कि नहीं, तो फिर हम ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम कभी भी, जैसे हमारा पुराना घी हो जाता है, तो हम उस घी का स्मेल को कैसे दूर कर सकते हैं, तो वो टिप्स बताऊँगी। तो यहाँ पर ये जो घी था, थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं कि जो उसके अंदर से निकलता है वो ज़्यादा ब्राउन हो गया है, तो मुझे लगा कि इसको कैसे ठीक करना चाहिए। तो मैंने ये जो टिप्स फॉलो किया और इस टिप्स को फॉलो, यकीन मानिए एकदम अच्छा टेस्ट हो गया और हमने पूरा घी भी यूज किया। शेयर करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घी था उसको मैंने यूज कर लिया है। उसके बाद ही मैं आपको ये टिप्स शेयर कर रही हूँ। और ये पूरा घी मैंने यूज करने के बाद और इतना अच्छा टेस्ट हो गया था कि हमने इसको पूरा यूज कर लिया है, बस इतना थोड़ा सा ही बचा है। तो मैं अब टिप्स स्टार्ट करती हूँ कि क्या करना है इसके लिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा घी है आप बाउल में घी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, हमें लेना है 4-5-6 इलायची और लौंग और काली मिर्च, इन सबको हमें लेना है। उसके बाद हमको इन सारे चीज़ों को हमें घी के अंदर डाल देना है। जब हम इसको घी के अंदर डाल देंगे, फिर उसके बाद उसको हमें क्या करना है, उसके अंदर रहने देना है। हमने ये लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, पकाना नहीं है, बस डाल के और हमको डिब्बे में भर के रख देना है। उसके मतलब एक दिन के बाद आप देखेंगे कि जो जलेगा या जो भी है वो चला जाता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है और अब मैं इसको यूज कर लूँगी। इस घी को आपको क्या करना है, आप इससे पराठे बना लीजिए। और उसके बाद इस दाल से तड़का नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप तड़के में लगाएंगे तो घी को हमें थोड़ा सा और करना पड़ता है तो वो जल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसको इससे पराठे हम सेक सकते हैं, दाल के अंदर डाल के भी खा सकते हैं और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। केवल दाल में, तड़के में इसे नहीं यूज करना है। दूसरा टिप्स मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि अगर हमारा घी पुराना है और उस घी में स्मेल आ जाती है एक, तो उस स्मेल को हम कैसे दूर करें। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए भी हमें यही सेम प्रोसेस करना है, उसके अंदर यही सारी चीज़ें डालना है और उसके बाद हमें रख देना है। आपके पास जो पुराना घी है उसको हमें क्या करना है कि उसे पकाना नहीं है, उसको हमको धूप में रख देना है। और धूप में ऊपर से छन्नी या आप कपड़ा बांध के रख सकते हैं, और जब वो पिघल जाएगा तब उसके अंदर हमको ये काली मिर्च, लौंग और हमें इलायची डालना है। और उसके बाद डाल के फिर आप रख दीजिए, तो जो भी स्मेल होगा पुराना घी का वो चला जाएगा। कभी क्या होता है, कभी गांव से घी आ जाता है या हम बना के रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों का हो जाता है, तो उसमें से एक अलग सी स्मेल आने लगती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो स्मेल एकदम दूर हो जाएगी और आप अच्छे से उस घी का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ये दोनों टिप्स कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी या टिप्स डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।